देखिए, अपनी जनता के बीच में जाके बहुत आनंद आता है। ये शाम के लगभग 8 बजे आपको जो उत्साह पहाड़ों में दिख रहा है, जोश दिख रहा है, इनके घर यहाँ से बहुत दूर दूर हैं। किसी को पहाड़ चढ़ के जाना है, किसी को उतर के जाना है, सबको किसी को 1 घंटा लगेगा, किसी को 2 घंटे लगेगा, किसी को किश्ती पकड़ के जाना है। लेकिन ये नहीं, इतनी दूर से नहीं आए, इनके घर आसपास है जी। लेकिन यहाँ आसपास मतलब एक पहाड़ की चोटी पे है, तो एक कहीं नीचे है, कोई नदी पकड़ के किश्ती पकड़ के दूसरी ओर जाएगा, ऐसा भी हालत है। लेकिन ये जोश दिखाता है कि जनता के मन में मोदी जी के लिए कितना प्रेम है। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव भगवान राम पर है? आप पाकिस्तान की भी बीच में बात करते हैं अपने चुनावी प्रचार में, भाषणों में। देखिए, हमें मौका देती है कांग्रेस, वो कहती है पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और दूसरी उनको इज्जत दो, और अपने परमाणु हथियार खत्म करने की बात करती है, तो हम अपनी सेना को कमजोर कैसे कर दें, पहली बात तो ये। दूसरा, वो कहते हैं राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं, राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे, अब ये कौन हिंदू स्वीकार करेगा? अब कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुछ भी करें, लेकिन जो यहाँ हिंदू हैं या देश भर के हिंदू हैं, वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो मैंने सवाल पूछा, क्या मतलब मुस्लिम फैक्टर चुनाव में लाना जरूरी था? गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों आपके बड़े नेता हैं। देखिए, हम नहीं ला रहे, कांग्रेस ला रही है जी, और जब जब कांग्रेस लाएगी हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ना लाए, कांग्रेस ऐसी बातें ना करे, जिहाद कांग्रेस लाए, राम मंदिर पे बुलडोजर कांग्रेस लाए, तो आप मुझे क्या कहते हैं? कांग्रेस जो मर्जी लाए और हम जवाब भी ना दें? अखिलेश जी से हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा वोट जिहाद के मामले में, उन्होंने बोला ये ज्यादा वोट देने की अपील थी, अब इसको बीजेपी ने दूसरी तरह से पकड़ लिया, अखिलेश जी ने ये कहा। अच्छा, चलो, तो फिर उनका जो पाकिस्तान की तरफ से जिहाद की बात आती है, देश में लव जिहाद की बात आती है, अब वोट जिहाद की बात आती है, तो अखिलेश जी ने तो ये भी कहा कि हाँ, हर साल एक प्रधानमंत्री हो सकता है, तो आप मुझे बताओ, तो आप चाय वाले नेता हैं या कॉफी वाले नेता हैं? हम तो है ही चाय वाले जी, जब प्रधानमंत्री हमारे वो हैं, कॉफी पीते भी होंगे तो बोल नहीं पाएंगे आप। नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि कॉफी पीनी नहीं जी, हम ये कह रहे हैं कि हम सामान्य जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी, हमको इस बात का बुरा नहीं लगता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबी देख कर आए, चाय बेच के अपने परिवार का पालन पोषण की। अच्छा, चाय कड़क पीते हैं कि? हम काम भी कड़क करते हैं, चाय भी कड़क पीते हैं, चाय भी कड़क पीते हैं। चलिए, अब मैं एक एक करके कई नेताओं के आपसे नाम लूंगा और फिर उस पर आपकी राय जानूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक लाइन में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत संवेदनशील, गरीबों के मसीहा, और भारत के लिए एक वरदान है, जो भारत के लिए पल पल जीते हैं और भारत के लिए समर्पित है। एक बात मुझे याद आती है, 2013 में मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, तो आपने बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के कैंडिडेट बन गए थे, आपने बोला था कि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश बदल देगा अमीश देवगन, तुम देख लेना। और वाकई आपने, उसके बाद हमने देखा बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब अगले नेता का नाम जो है वो आपके हॉट फेवरेट है और उनके बारे में आप बात करना पसंद भी करते हैं, राहुल गांधी जी। ये कहां जा रहे हैं? अमेठी से और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से भी लड़ रहे हैं, उनकी बहन कह रही है कि आने वाले प्रधानमंत्री हैं। देखिए, परिवार के लोग तो ऐसी कल्पना 2004 से कर रहे हैं, 2024 आ गया, 20 साल में कई बार लॉन्च कर दिया, कई बार फेलियर हो गया, अब कितनी लॉन्च इसके बाद और होगी जी। ये तो वैसे वायनाड में कह के आए थे कि मैं वहीं पे परमानेंट सांसद रहूंगा, तो रायबरेली में क्या? रायबरेली उनकी पारिवारिक सीट है, तो इस वजह से जनता तय करती है कि परिवार तय करता है? अब तो उनकी माता जी ने तय करा है कि वो लड़ेंगे वहां। देखिए, यही लोकतंत्र का अपमान है, जब जनता को तय अपना करने दो और परिवार तय करे, तो यही जनता की बात जी। मेरा एक और नेता है, उनका नाम है दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो जेल में थे भ्रष्टाचार के चलते, आजकल बेल पे हैं जी, कंडीशनल बेल पे हैं थोड़े दिनों के लिए, और 2 तारीख को फिर जेल जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अब खुद भ्रष्टाचार में पाए जा रहे हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बॉडी के आप हेड भी रहे, तो आईपीएल को फॉलो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? देखिए, आजकल 2 सीजन चल रहे हैं जी, इंडियन प्रीमियर लीग जी और इंडियन पॉलिटिकल लीग। आईपीएल में भी चौके छक्कों का रिकॉर्ड लग रहा है और हिमाचल भी चौके छक्के लगाएगा, चारों के चारों लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा जीतकर चौका छक्का लगेगा। 100% विक्रमादित्य सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम हर सीट पर कमल खिलाएंगे।
और इस समय हम एक प्राचीन राधा कृष्ण के मंदिर में हैं और वहां पर दर्शन करके निकले हैं, क्योंकि जब हम आए तो चिंतपूर्णी माता को माथा टेका और जब हम समापन कर रहे हैं अपने कार्यक्रम का, तो हम मौजूद हैं भगवान कृष्ण और राधा जी के उस मंदिर में जो 18वीं शताब्दी का है।